क्या मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन पाऊंगा? जो मेरे ख्वाब हैं क्या वो कभी सच हो पाएंगे? सो हे गाइस, ऐसे जरूर थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं कि क्या मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन पाऊंगा और जो मेरे सपने हैं क्या वो कभी पूरे हो पाएंगे या नहीं। लेकिन जब मैं सर जोशी व्लॉग की वीडियोस देखता हूँ तो मुझे एक उम्मीद मिलती है कि हाँ, कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उनके वीडियोस में कभी कभी उनके पेरेंट्स को देखता हूँ तो सोचता हूँ क्या कभी मेरे भी पेरेंट्स इतने खुश हो पाएंगे। इन सबसे ज़रूरी बात, मेरे पास कोई महंगा कैमरा या कोई DSLR नहीं है जिससे मैं व्लॉगिंग करूँ, तो क्या मैं व्लॉग करना छोड़ दूँ? नहीं, क्या जब सारू जोशी ने स्टार्ट किया था तो उनके पास भी कोई प्रोफेशनल चीज़ नहीं थी शूट करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मोबाइल से व्लॉगिंग की और आज वो अपने सपने पूरे कर रहे हैं। So he's really big inspiration for me, you know. इनकी लाइफ की जो जर्नी है, जो स्ट्रगल इन्होंने किया है और आज जो इतने लोगों का प्यार मिल रहा है, अगर वो इतनी स्ट्रगल ना करते तो शायद इतने लोगों का प्यार ना मिलता। इतने स्ट्रगल करने के बाद भी वो अपनी वीडियोस इतनी एनर्जी से बनाते हैं। इन सब से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जितनी स्ट्रगल करेंगे एक ना एक दिन हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे पता कि ये 200 सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है, तो हमारे 1K कंप्लीट होने वाले हैं। जल्दी जल्दी 1K कंप्लीट करवा दो। तो hey guys, welcome. इतिहास में सपने भी देखे थे बैठ के क्लास में केक, शुरू से शुरू करता हूँ। इतिहास में सपने भी देखे थे बैठ के क्लास में केक, लंबी के देते हैं हेट में करता हूँ कैश पर खुद पे यकीन मैं खुद ही का है। सर जोशी अपने लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि आप लोग एक नॉर्मल फैमिली से भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, बस अपने ड्रीम्स के पीछे भागना है। तो मैं भी चलता हूँ अपने ड्रीम्स के पीछे भागने। तो मिलते हैं किसी प्यार से व्लॉग में। देते हैं हेट मैं करता हूँ कैश पर खुद पे यकीन मैं खुद ही का है।